नमस्कार, मैं हूँ शुभम। नमस्कार, मैं हूँ कंचन और सबरंग में आपका स्वागत है। दिवाली की समाप्ति के साथ छठ का आगमन हो चुका है और इस बार सबरंग के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना के चलते छठ किस तरह से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आज छठ का पहला दिन नहाए खाए है। जी हाँ, तो नहाई खाई के साथ आज छठ का पहला दिन शुरू हो चुका है और अब हम आपको दिखाएंगे कि घाटों में, जैसे कि सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइन के साथ, घाटों में छठ करने की मंजूरी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इस बार छठ में घाटों की तैयारी कैसी चल रही है। छठ हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और छठ जैसी आस्था हमें किसी और त्यौहार में देखने को नहीं मिलती है, खासकर हम झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि झारखंड और बिहार में छठ जैसी त्यौहार बहुत ही बड़े स्वरूप में मनाया जाता है। पर इस बार कोरोना के चलते इसे उतने बड़े स्वरूप में नहीं मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छठ घाटों पर शारीरिक दूरी और कोरोना से बचाव के मद्देनजर जारी सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए लोग कम संख्या में लोग पूजा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी आग्रह किया कि बेहतर यही होगा कि अत्यधिक संख्या में घरों पर ही छठ पूजा करें। नदी तालाबों के घाटों समेत सार्वजनिक जलाशयों में कम संख्या में ही लोग जाएं। साथ ही मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सुरक्षित शारीरिक दूरी की सावधानी को निर्देश का अवश्य पालन करें। और मंगलवार को सरकार द्वारा अपने गाइडलाइन को बदलने के बाद लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि घाटों की सफाइयां बहुत जोरों शोरों से तैयार सजने लगी हैं घाटे, और घाटों की सफाइयां बहुत ही जल्दी में होने लगी क्योंकि छठ का शुरुआत हो चुका है। और अब हमारे सहयोगी कंचन से जानेंगे कि इस बार छठ का बाजार कैसा है और लोग कोरोना की सावधानियों को बरतते हुए किस प्रकार छठ की खरीदारी कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ रांची के जाने माने जिला स्कूल में और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में छठ का बाजार लगता है। पर इस बार आप खुद देख सकते हैं कि छठ का बाजार उतने मुख्य रूप से नहीं लगा है और ना ही उतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो लोगों में उत्साह तो है पर उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ छठ का मतलब ही होता है कि सूप, दौरा, कपड़े और कई तरह की चीज़ें जो छठ करती हैं, जो महिलाएं वो कई तरह के चीज़ों को खरीदती हैं छठ के दौरान। बट इस बार बहुत महंगाई भी है जिसकी वजह से यहाँ के कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि सेब, फल, फूल ये सब उतनी मात्रा में नहीं बिक पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ दुकानदार से कि इस बार उनकी खरीदारी और बिक्री कैसी हो रही है। तो इस बार आपका बाजार पिछले बार के मुकाबले कैसा है? उल्टा हो गया ये। ठीक है सर, पिछला साल जितना हर साल होता था उतना बिक्री हो रही है। अभी तो स्टार्टिंग हुई मैम, उस बात देखते थे क्या होता है। जी जी बिल्कुल, धीरे धीरे क्या होता है। तो खरीद, लोग सामान खरीद जरूर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। जी सर, तो इस बार छठ के दौरान कितनी बिक्री हो रही है, किस तरह से लोग आ रहे हैं? पानी नहीं आ रहा, आदमी नहीं आ रहा है, पब्लिक यहाँ घुस ही नहीं रहा है, उतनी ज्यादा बिक्री नहीं हो पा रही है। और हर साल के मुकाबले बहुत कम भीड़ भाड़ भी है, बहुत कम बाजार भी है, हम लोग का दुकानदारी नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि इस बार दुकानदारी उतने जोरों शोरों से नहीं हो पा रही है और जितने भी लोग छठ करती हैं, जितने भी औरतें छठ करती हैं, वो ज़्यादातर चाह रही हैं कि वो अपने घरों पर ही रहकर छठ करें और कोई भी स्थानों पे ना जाएं जहां ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ देखने को मिले। आइए बात करते हैं और कुछ दुकानदारों से कि इस बार उनका क्या मानना है। सर, इस बार कोरोना का लेकर आपको क्या लगता है कि कैसी बिक्री हो रही है, क्या दुकानदारी है? कोरोना के इसमें कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर तो मन दिल से ही पूजा हो रहा है, सूर्य भगवान का व्रत है, जितना दिल से आदमी की पूजा करेगा उतना ही बेस्ट रहेगा, समझे ना। और इसमें कोरोना हम तो मानते हैं कि अगर उनमें ताकत होगा, शक्ति होगा ना, अगर माँ छठ मैया में अगर ताकत होगा तो कोरोना को यहाँ नामो निशान मिटा दिया जाएगा भारत वर्ष से, ठीक है। और ये पूजा है ना, पूरा खुल कर ही पूजा हो रहा है और मार्केट की बहुत सिचुएशन बहुत सही है, हर कोई बहुत उमंग से ही पूजा हो रहा है और कर रहा है, रेट भी बहुत मिनिमम हम लोग लगाया जा रहा है। साल के मुकाबले इस बार बिक्री उतनी हो रही है आपकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो रही है, एकदम बिल्कुल, इसे बिक्री तो हो रही हो रहा है। आपने देखा कि इनके विचार कुछ बिल्कुल ही अलग है कि कितना भी कोरोना आ जाए हम उन्हें हरा कर बिक्री में कोई भी कमी नहीं लाएंगे और साथ ही साथ आस्था में कोई भी कमी नहीं करेंगे। नारियल तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है छठ में, छठ पर बिना नारियल के मनाया नहीं जा सकता है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस बार इनकी कैसी बिक्री हो रही है। सर, इस बार छठ में नारियल की कितनी बिक्री हो रही है हर साल के मुकाबले और क्या? कुछ तो कम हुई है मैम, क्योंकि जो हेमंत सरकार की जो ये सूचना थी कि आप घर में ही छठ करें,
तो इसके वजह से हमारे रेंटर भाई लोग वो कहाँ करेंगे, तो इसलिए वो बिहार के गाड़ी पकड़ के वो घर नहीं कर रहे, तो उसके उसके चलते बाजार में तो कुछ तो असर पड़ा ही है। जी हाँ, तो बाजार में तो असर पड़ा ही है। और चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जो इस बार छठ करती हैं, तो उनका इस बार क्या कहना है इन सब चीजों पर। मैम आप छठ करती हैं? जी हाँ, तो क्या लगता है आपको इस बार कोरोना को लेकर कैसा छठ हो रहा है, पिछले साल के जैसा ही है या कुछ अलग है? पिछले साल के जैसा तो नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं, ज्यादातर लोग अपने घर में कर रहे हैं हाँ। तो आप इस बार छठ अपने घर पे कर रही हैं या कहीं घाट? नहीं, हम अपने घर में अपने घर पर कर रही हैं। जी, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें सावधानी बरतते हुए सारे चीजों को लेकर चलना है। और फल के बिना छठ पर्व कहीं से भी पूरा नहीं हो सकता है। और इस बार फल की कैसी बिक्री है, कितने ज़्यादा फल आए हैं, कितने ज़्यादा फल बिक रहे हैं और कितना इस बार असर पड़ा है, आइए जानते हैं यहाँ के फल बेचने वाले से। जी, तो इस बार सर इस बार कितना बिक्री हो रहा है आप लोग का फल हर साल के मुकाबले? बिक्री तो जो है ना, मंडी में केला बहुत महंगा है, महंगा है, 450 से 721 रुपये कांधी तक बिका है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो अभी टान के बेचेंगे और नहीं बेचेंगे तो फिर कैसे होगा, आप तो जान रहे हैं। और मंडी में केला बहुत कम आया है। और सेब का क्या है इस बार? सेब का तो रेट सही है, जो सेब पहले बिक रहा था वो रेट बिक रहा है। अच्छा, तो बिक्री उतनी ज्यादा हो रही है जितना हर साल होती थी या कम है? बिक्री ठीक है, ठीक है। फलों की बिक्री फिर भी ठीक हो रही है, पर केलों में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, कुछ कमी देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं एक मैम से कि इस बार वो छठ कर रही हैं, तो किस तरह से छठ कर रही हैं? आप छठ करती हैं? हाँ। तो इस बार क्या कोरोना को लेकर कैसा हो रहा है इस बार छठ का पर्व? फीका फीका लग रहा है, पहले जैसा भीड़ भाड़ नहीं है। तो धूमधाम से हो या ना हो, छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई भी परेशानी आ जाए, लोग छठ मनाना नहीं छोड़ सकते। और छठ की खरीदारी कितने भी ध्यान से करें, बट वो छठ की खरीदारी करना नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी सब के साथ काचे ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, पेना नायन जन सिंह पियरिया, दौरा घटे पहुँचाय, दौरा घटे पहुँचाय। इसी तरह कोरोना के साथ छठ के महापर्व को देखने के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ।